नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग रनिंग में आए हुए हैं। मेरे साथ अंकित भाई हैं। एक दोस्त ने पूछा था मुझे, सर रनिंग ग्रो कैसे करें? तो रनिंग ग्रो करने के लिए कुछ नहीं है, जितना आप रनिंग करेंगे उतना ही आपका रनिंग ग्रो होगा। इसका तरीका क्या है, आप सुबह शाम दो टाइम प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है, आप जब भी रनिंग करते हैं बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए और कोई पानी नहीं पीना है, है ना। रनिंग के बीच में आप पर्टिकुलर एक डिस्टेंस तैयार कर लीजिए कि इतने बीच में आप 50% आप रनिंग कर रहे हो, मतलब उसको अगर 5 किलोमीटर रनिंग कर रहे हो तो 2.5 किलोमीटर आपने पावर एक्सरसाइज करनी है, जैसे कि मैं आपको बीच में बताता जाऊँगा। तो अगर आप 5 किलोमीटर दौड़ सकते हो तो डेली 5 किलोमीटर आपने दौड़ना है, कम से कम 5 किलोमीटर। धीरे धीरे एक हफ्ते के बाद आपने उसको बढ़ाना है 1-1 किलोमीटर करके, तो आपका तकरीबन 20 किलोमीटर तक आपका रनिंग होना चाहिए कंटिन्यू। 3 महीने तक से लेकर 6 महीने तक अगर आप रनिंग करते हैं 20 किलोमीटर, तो आपका ये जो दर्द होने वाला शरीर में जो पेन होता है पेट में, वो होता है मसल्स दर्द होते हैं, तो ये आपको दोबारा कभी नहीं होगा। तो इस चीज़ को कंटिन्यू रखना है आगे भी, है ना। तो अभी हम लोग रनिंग कर रहे हैं तो इसके बीच में देखेंगे क्या क्या परेशानी आती है अंकित भाई को। तो बीच बीच में जो एक्सरसाइज है जो करने चाहिए एक्सरसाइज, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम लोग रनिंग स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 2 किलोमीटर ऑलमोस्ट हम लोग रनिंग कर चुके हैं, तो आगे देखते हैं कितना हम रनिंग कर सकते हैं अंकित भाई के साथ। तो बीच में जो एक्सरसाइज करनी है वो भी करेंगे। चलें अंकित भाई। चलो सर। चलो तो अभी अंकित भाई काफ़ी देर से दौड़ रहे हैं मेरे साथ, थोड़ा थक भी गए थे, तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के बीच में आ चुके हैं, अभी डिस्टेंस हमने नापा नहीं है। तो अभी यहाँ पर हम लोग पावर एक्सरसाइज करेंगे आधे में। पावर एक्सरसाइज में क्या क्या होता है अंकित भाई, मेरा वीडियो शूट करेंगे किस प्रकार से पावर एक्सरसाइज होती है। रास्ते में कहीं पर भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ये है ना, ये क्या करना है आपने, कम से कम ये कितना करना है, 5 मीटर तक करना है बीच में, है ना। उसके बाद आपने 100 मीटर स्प्रिंट बीच में लगाने हैं, 2-3 स्प्रिंट लगाने हैं कम से कम स्प्रिंट। दूसरा आप इसमें कर सकते हैं छोटे छोटे स्प्रिंट मारने हैं 3 सेट 100 मीटर के। तो अभी अंकित भाई और मैं स्प्रिंट लगाने जा रहे हैं, ठीक है अंकित भाई, रेडी? रेडी ठीक है। अभी वीडियो कैसे बनाऊं मैं, थोड़ी सी दिक्कत है। ओके रेडी गो। मेरे को छोड़। आजा आजा। स्प्रिंट करते हैं, इसमें आपको क्या होगा, जो आपका एंड्योरेंस लेवल है वो बढ़ाने में मदद करेगा, ठीक है। तो अब रेडी हो रहे हैं अंकित भाई, रेडी? लेस मान लो, ठीक है। थोड़ा आपने डिस्टेंस में ही रनिंग करना है आपने, तो एक दूसरे से टकराना नहीं है, थोड़ा ऐसे दोनों बाजू का करो, ठीक। ओके रेडी? ठीक है ओके। रुको भाई रुको, रेडी गो। तो यहाँ से नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ, जो पावर एक्सरसाइज है किस प्रकार से करना है। आपने सिटअप करना है किसी के कंधे में जाकर, शोल्डर से उस प्रकार से, जैसे जैसे मैं दिखा रहा हूँ नमूना बैंड के साथ दिया। नहीं आप हैं तो पूरा पूरा लेग ऊपर, नहीं ऊपर आ जाए, पूरा लेग मूव करो मेरी तरफ, पूरा ऊपर उठा यो, हाँ उठा उठा मेरी तरफ दे, पूरा दे, ओके और दे और दे, एक दो और दे, हाँ रख जा, हाँ अभी देखो आप, अभी लॉक कर दे पीछे, लॉक कर टांग लॉक कर, हाँ अब पुशअप लगा,
चल सिर पे हाथ रख, ऊपर अब चलो लगा ऊपर खींच बॉडी को, यस खींच 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 खींच, हाँ वन डाउन ठीक है, दो टू। अभी अंकित भाई बहुत कमज़ोर है इसीलिए वो कर नहीं पा रहा है, अगर ये सही बॉडी इसकी फिटनेस होती तो कम से कम 10 या 5 तो लगा ही लेता। चलो वन से लो, हाँ हाँ ये कम ऑन, अब नहीं ठीक है चलो डाउन। तो ये एक एक्सरसाइज है, अभी यहाँ से पावर एक्सरसाइज और बताऊँगा मैं आपको, अंकित भाई करेंगे किस प्रकार से करते हैं ठीक है। ऐसे हाईवे में मत चलना, अभी मेरे पास जगह नहीं है, कोई वीडियो बनाने वाला भी था तो एक दोस्त मिला, मैं उनके समय वीडियो बना रहा हूँ। चलो अंकित भाई और उनको दोनों का उठाना है अपने, और उनको चलाना, चलो भाई आगे कम से कम 50 मीटर चलते रहो, बॉडी डाउन, हाँ कमर डाउन, कमर डाउन, हाँ नीचे नीचे नीचे, हाँ यस ठीक है, चलो चलते रहो सावास गुड ठीक है, कमर को टाइट करना है इस प्रकार से, आपने कम से कम 50 मीटर करना है, हो गया 50 मीटर हो गया, हाँ छोड़ दूँ, हाँ छोड़ चलो, थैंक यू। अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो अंकित भाई करके दिखाएंगे, डेमो देंगे प्रॉपर। अंकित भाई बॉडी को थोड़ा ऊपर उठाइए और ऊपर, हाँ ठीक है। अब इसी में आपने 50 मीटर जाना है बैक और 50 मीटर फॉरवर्ड आना है, तो आपको पता चलेगा कहाँ दर्द हो रहा है। लास्ट में अंकित भाई बोलेंगे दर्द कहाँ हो रहा है, खुद अपने मुँह जुबानी बताएंगे आपको। चलिए ओके, थोड़ा सा पेन मांगता हूँ मैं ठीक है, चलो चलो ओके, जहाँ आपको पेन हो रहा है मुझे बताना, कंटिन्यू बॉडी ऊपर उठाइए थोड़ा सा, कोई बात नहीं, बॉडी टच नहीं होना चाहिए ठीक है, आपके हिप टच नहीं होना चाहिए नीचे, कंटिन्यूस। अभी तो दर्द थोड़ी हो रहा होगा है ना, नहीं हो रहा, कहाँ हो रहा है, चलो चलो अभी बताना बाद में, अभी मत बताना, अभी सिर्फ मुंह के जो आपका चेहरे से बताना है कि आपने दर्द हो रहा है क्या, हो रहा है, एक्टिंग नहीं करनी है, एक्टिंग नहीं। चलो आपका तकन 20 मीटर हो चुका है, चलो गुड, अभी यहाँ ही से दर्द हो रहा है वाकई में, पक्का, चलो आप आ जाओ फिर थोड़ा सा इतना ही और पता चलेगा ना, चलो हाँ हाँ गुड गुड गुड। तो आप प्रॉपर बताओगे, आपको लाइव बताओगे कि आपको दर्द कहाँ हो रहा है ठीक है, ओके ओके, अरे अरे अरे। तो दोस्तों आज हमारा जो आप रनिंग है यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, तो पावर एक्सरसाइज भी हमने कर लिया है, जो मैं कुछ एक्सरसाइज जो नहीं कर पा रहा हूँ, अभी वीडियो बनाने वाला है नहीं मेरे साथ। तो अंकित भाई यहाँ से आगे क्या करना है, आपने जो चीज़ मैंने बता दिया स्प्रिंट और जो मैंने एक एक्सरसाइज शुरू में बताया था पंजे में, आपने क्या करना है फ्रॉग जंप टाइप का करना है और पीछे से लेग पकड़ के 50 मीटर चलना है ना हाथों के बल, उसके बाद में पुशअप लगाने हैं, बीम लगाने हैं, इसके बीच में सीटअप भी आप लगा सकते हो। क्या होता है ना, मैं यहाँ ग्राउंड में देख रहा हूँ लोग अभी भर्तियाँ आ रही है शायद, तो लोग सोचते हैं एक महीने में डेढ़ महीने में मैं अपने आप को वो कर लूँगा ठीक है। मैंने कम से कम 10 साल प्रैक्टिस किया है आर्मी में भर्ती होने के लिए, तब जाके मैं वहाँ पर सक्सेस हुआ हूँ, और जो मेरे एग्ज़ाम हुए हो सकता है उसमें से कुछ मैं गुड आया हूँ, सारे एक्सीलेंट थे। तो दोस्तों सभी से निवेदन यही करता हूँ, जब भी आप किसी चीज़ भर्ती की ट्राई करते हो, कुछ भी करते हो, ऐसा नहीं कि एक महीने पहले खड़े हो गए आप भर्ती होने के लिए है ना, कम से कम आप ये मान के चलिए अगर मैंने 10 साल प्रैक्टिस किया तो आप कम से कम 2-3 साल तो कर ही सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।